खैर दोस्तों, आपको बता दें कि आज नेहा कक्कड़ एक जानी मानी सिंगर और डांसर हैं, जो शायद किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में है। नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत को लेकर खबरें तो काफी समय से चल रही थी, लेकिन आज फाइनली इस क्यूट जोड़ी की शादी हो ही गई। मेहंदी से लेकर हल्दी तक शादी के पहले की सभी रस्मों की तस्वीरें और वीडियो हम आपको दिखा ही चुके हैं, लेकिन अब नेहा और रोहन प्रीत की सुहाग रात की कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान जरूर हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर कौन सी है वो बातें, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी नेहा कक्कड़ पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत इन दोनों ने अपनी सुहागरात की कुछ ऐसी शर्मनाक बातें बताई जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, दोनों ही एक दूसरे से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं। और हाल ही में इन दोनों ने एक मैगजीन में अपने इंटरव्यू में जवाब दिया, जहाँ नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत ने अपने पहले किस से लेकर बड़े बड़े खुलासे किए। और मैगजीन को दिए इंटरव्यू में नेहा और रोहन प्रीत से पूछा गया कि इन दोनों की पहली किस कहां पर हुई, तो इसके जवाब में इन दोनों ने बताया कि पहली किस उनके घर की बालकनी में हुई थी। और जब इस इंटरव्यू में रोहन प्रीत से पूछा गया कि उन्होंने पहली डेट पर क्या पहना था, तो रोहन प्रीत ने इसका जवाब दिया कि वो ब्लू जीन्स, व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक कलर की जैकेट पहनकर आए थे। और वहीं इस डेट में नेहा कक्कड़ ने बाल खुले रखे थे, बीच का पार्टीशन किया था और रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। और वहीं इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई, इसके पीछे भी कहानी इन्होंने बड़ी मजेदार बताई। इनकी पहली मुलाकात एक डिनर पार्टी में हुई थी, और इस मुलाकात के बाद नेहा कक्कड़ ने रोहन प्रीत को अपने घर पर बुलाया था। और घर पर नेहा कक्कड़ की माँ टीवी सीरियल देख रही थी, और नेहा कक्कड़ ने बताया कि उस वक्त हमने कुछ घंटे बातें की, और उन्होंने बताया कि इस मुलाकात में कोई किस नहीं हुई थी, जिसका उन्हें आज तक अफसोस होता है। और मैगजीन के मुताबिक तीसरी डेट में रोहन प्रीत समझ गए थे कि नेहा कक्कड़ ही वो लड़की है जिससे वो शादी कर सकते हैं। और रोहन प्रीत के मुताबिक उन्होंने नेहा कक्कड़ को उनके बर्थडे पर प्रपोज किया था, और नेहा कक्कड़ ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके अपने रिश्ते को शादी के बंधन तक पहुँचाया। और नेहा कक्कड़ ने ये भी बताया कि मैं अपनी शादी की रात काफी खुश थी और उनकी पूरी रात काफी खुशी भरे माहौल में कटी। तो दोस्तों, अगर आपको भी नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत की जोड़ी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि